लोग पसंद नहीं कर रहे, व्यूज भी नहीं आ रहे, क्या कुछ उस पर बोलना चाहें? बिल्कुल, क्योंकि ये गाना तो हमको भी पसंद नहीं आया, जो पवन भैया गाए हैं इस बार 5 जनवरी को जो रिलीज हुआ, सुनने में आया कि करोड़ों रुपया लगा, 5 करोड़ लग सकता है। अब बड़ा कैनवास है तो पता ना राज जी लगाए होंगे उतना, तभी तो ऐसे तो नहीं हो सकता है सारा। सनी लियोनी भी है, जो भी है सनी लियोनी है, कम से कम 3 करोड़ वही ली रहेगी मेरे को लगता होगा। 400-500 सुने में आया, 400-500 कोरस में लड़के लड़की नाचे हैं, अगर 2-2 हजार ही पकड़ेंगे तभी भी आसपास पहुंच जाएगा। इतना बड़ा गाना सर फ्लॉप हो जाता है, क्या कुछ रीजन होगा? जो रीजन, बड़े स्टार है, ऐसा नहीं बोलूंगा, बड़े स्टार पावर स्टार कौन सी है, सनी लियोन का बड़ा नाम है और इसे जनता एक सिरे से नकार देती है। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि कंटिन्यू गाना गाते हैं पवन भैया खेसारी जी, महीने में हमको लगता है कि 20-25 गाने आते हैं, 10-15 गाने आते हैं, तो समय है, कोई गाना हिट होता है कोई फ्लॉप होता है, तो मुद्दा ये नहीं है कि मतलब कि फ्लॉप हो गया नहीं चला, गाने बनते हैं, हिट फ्लॉप तो होता ही होता है ना, जैसे मैच क्रिकेट मैच होता है तो कोई ना कोई हारता है, तो इसे गाना बना है हमारे भोजपुरी के लिए, अच्छा है, इतना बड़ा कैनवास, दोनों गाना मैं देखा, बजते वीडियो देखा, दोनों गाने का बहुत बड़ा कैनवास है, खेसारी जी का भी पवन जी का भी, चलना ना चलना अब जनता के हाथ में है, लेकिन ऐसे कोशिश रहे तभी तो आगे चल के और भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा होगा। बोले चूड़िया शायद आपकी एक फिल्म आने वाली है सर जी, क्या कुछ स्टेटस है और उसमें गाने बहुत बेहतरीन है? हाँ, बोले चूड़िया बोले कंगना, वो एक्शन से हट के पहली बार मैंने फैमिली और फिल्म स्टार्ट किया, अब बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, उसके गाने अच्छे हैं, आई थिंक लगता है कि हमको 20 जनवरी को उसका ट्रेलर आ रहा है, लॉन्च हो रहा है इसी मंथ 20 जनवरी को, तो हम आप लोग को अपडेट देंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।